नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े समाचार से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल GOVPVT को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वैक्सीनेशन को लेकर अब स्कूलों में लगाए जाएंगे विशेष कैंप, फिर से बढ़ सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम। सरकारी अवैध जमीन पर 10 अप्रैल से चलेगा बुलडोजर, स्वास्थ्य विभाग करेगा 20,000 से अधिक पदों पर बहाली, पंचायती राज व्यवस्था में नहीं बढ़ेगा आरक्षण। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग करेगा 20,000 से अधिक पदों पर बहाली। बिहार का स्वास्थ्य महकमा जल्द ही मजबूत होने वाला है, क्योंकि बिहार में जल्द ही विभाग 20,000 से ज्यादा पदों पर बहाली करने जा रही है, जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दी है। विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की तरफ से साझा की गई जानकारी को देखें तो 20,000 नर्स के पदों पर नए वित्तीय वर्ष में नियुक्तियों की तैयारी पूरी कर ली गई है। मंत्री जी की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार 5 साल के स्वास्थ्य रोडमैप पर काम कर रही है। बिहार चिकित्सा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने बीते दिन सदन में ध्वनिमति से स्वास्थ्य विभाग की 16,131 करोड़ रूपए के बजट को भी पारित कर दिया है। वैक्सीनेशन को लेकर अब स्कूलों में लगाए जाएंगे विशेष कैंप। 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और इस अभियान को शुरू हुए लंबा समय भी बीत चुका है। हालांकि इस दौरान उम्मीद यही जताई जा रही थी कि बच्चों के वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ताजा आंकड़ों के अनुसार अभियान सुस्त पड़ा हुआ है। इस आयु वर्ग के 56 लाख बच्चों में से 4.96 लाख बच्चों का ही अब तक वैक्सीनेशन हो पाया है। राजधानी पटना में इसकी संख्या लगभग 7,000 के करीब है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस अभियान को गति देने के लिए शनिवार यानी कि आज से राजधानी पटना में स्कूलों में कैंप लगाकर टीकाकरण अभियान शुरू कर चुका है। एयर इंडिया के टीकाकरण वैन स्कूलों में जाती देखी गई और वैन में मौजूद कर्मचारी वहीं कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का काम सुबह से कर रहे हैं। फिर से बढ़ सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम। 22 मार्च को रसोई गैस की कीमत 50 रुपए बढ़ाई गई थी, जिसके बाद से ही आम जनता की रसोई बजट पर बड़ी मार पड़ी थी कि अब इसी बीच एक बार फिर से LPG सिलेंडर की कीमत और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सार्वजनिक तेल कंपनियां महीने के अंत में कीमतों में बदलाव करती है। ऐसे में सार्वजनिक तेल कंपनियों के अधिकारियों और वितरकों की माने तो अगले सप्ताह 31 मार्च को फिर से LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ सकती है। अगर सिलसिला यही रहा तो कीमत बढ़ने की यह प्रक्रिया लगातार 2-3 महीने तक भी रह सकती है। वर्तमान समय की बात करें तो LPG सिलेंडर की कीमत 1,048 रुपए है। बिहार में ERSS जल्द होगा लागू। बिहार में विभिन्न आपात स्थितियों में निपटने में नागरिकों की मदद के लिए एकल आपातकालीन नंबर 112 के साथ ही एकीकृत आपातकालीन मोचन प्रणाली की जल्द शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। योजना और विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने गृह विभाग की बजटीय मांग पर बहस के बाद सरकार की तरफ से जवाब देते हुए उक्त ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में नागरिकों के लिए ERSS जो कि अखिल भारतीय एकल नंबर 112 पर आधारित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है, राज्य में वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो जाएगी। BSSC कार्यालय के पास छात्रों ने किया प्रदर्शन। BSSC प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट घोषित किए जाने की मांग बीते कई दिनों से हो रही है, लेकिन BSSC कार्यालय में मौजूद अधिकारियों के कान में जू भी नहीं रेंग रही है। यही कारण है कि बार बार मांग के बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। यही कारण भी है कि अब छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आने लगा है। इसी के विरोध में छात्रों ने बीते दिन जमकर विरोध किया, जिसके तहत ही बीते दिन भर अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के पास आंदोलन किया। इस दौरान ही अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 2014 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रथम इंटर स्तरीय बहाली निकाली थी, लेकिन 7.5 साल बाद भी बहाली पूरी नहीं हुई। दिसंबर में काउंसलिंग समाप्त हुई थी, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट यानी अंतिम रिजल्ट नहीं आया है। मिथिलांचल के मखाना की दूसरे देशों में भी उठी मांग। बिहार की कई सुप्रसिद्ध चीजें हैं जो देश में तो मशहूर है ही, विदेशों में भी धूम मचा रही है। इसी सूची में अब मिथिलांचल का मखाना भी शामिल हो गया है। ताजा मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मिथिलांचल में उत्पादन होने वाले मखाने की जापान में भयंकर डिमांड है। यही कारण भी है कि जापान को भारत मखाना निर्यात कर रहा है। इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने दी है। उन्होंने ही इस बाबत बताया है कि भारत चाय, कपास, तिलहन, मसाला आदि का भी व्यापार करता है। विदेशों में भारतीय कृषि उत्पाद की डिमांड की वजह से किसानों को भारी तादाद में फायदा हो रहा है। इसका लाभ किसानों को सीधे मिल रहा है। जानकारों की माने तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार दूरस्थ स्थानों के कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं।
बैंक कर्मियों को अप्रैल महीने में मिलेगी 2 लंबी छुट्टियां। बैंक एक ऐसा संस्थान है जहां का काम नियमित रूप से चलना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में कई बार बैंक कर्मियों को कई दिनों की छुट्टियां नहीं मिल पाती, लेकिन इन सब के बीच बैंक में काम करने वाले कर्मियों के लिए खुशखबरी आई है। अप्रैल में बैंक कर्मियों के लिए कई छुट्टियां हैं क्योंकि कैलेंडर के अनुसार अप्रैल में कई त्यौहार है। सबसे खास बात तो यह है कि इनमें कुछ ऐसे भी दिन हैं जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने छुट्टियां घोषित कर दी है। RBI द्वारा जारी हॉलीडे लिस्ट के अनुसार अप्रैल 2022 में वीकेंड के अलावा बैंक कुल 9 दिनों के लिए बंद रहेंगे। लंबे वीकेंड के कारण बैंक शाखाएं कुल 3 दिनों के लिए बंद रह सकती है। जातिगत जनगणना पर बिहार में फिर उठा बवाल। बिहार सरकार भले ही जातिगत जनगणना को लेकर कई दावे करती आई हो, लेकिन इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण भी है कि एक मत होते हुए भी विपक्ष बार बार सरकार को अपने निशाने पर ले रहा है, जिसके तहत ही बीते दिन सदन में भी इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ। बिहार में जातिगत जनगणना कराने से संबंधित सवाल का उत्तर नहीं आने पर उत्तेजित विपक्षी सदस्यों ने शुक्रवार को विधानसभा में वेल में उतरकर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इससे प्रश्नकाल के साथ साथ अन्य कार्यवाही भी बाधित हुई, क्योंकि सत्र के दौरान बार बार राजद सदस्य ये मांग कर रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जातिगत जनगणना कराने को लेकर सवाल है, इसका उत्तर सरकार दे, लेकिन अल्पसूचित प्रश्न पूछने का तय समय समाप्त होने के कारण सदन में जातिगत जनगणना पर सरकार का जवाब नहीं हो सका। सरकारी अवैध जमीन पर 10 अप्रैल से चलेगा बुलडोजर। सरकार के जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के अच्छे दिन बस कुछ ही दिनों के मेहमान होने वाले हैं, क्योंकि सरकारी अवैध जमीन पर यूपी के तर्ज पर ही बिहार में भी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत रॉय की बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि बिहार में अगले महीने से अवैध कब्जे वाले जमीनों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बीते दिन ही सदन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण वाली जमीन पर चाहे 10 मंजिला मकान क्यों ना बन गया हो, उसे भी गिरा दिया जाएगा। इसकी शुरुआत भी बीते दिन से हो गई है। दरभंगा के ज्वाले में एक मकान को बुलडोजर से ढा दिया गया। पटना में भी जल्द ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू किया जाएगा। पटना जिले के मैनपुरा में भी 27 एकड़ की सरकारी जमीन पर बने अवैध घरों को सरकार जल्द ही ढाएगी। उम्मीद है कि 10 अप्रैल से उन लोगों का मकान ढा दिया जाएगा। ई गवर्नेंस और सुशासन ने बिहार में खोले IT के दरवाजे। बिहार के IT क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों के लिए ई गवर्नेंस और सुशासन तुरूप के पत्ते की तरह साबित हुआ है। बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिवसीय 29वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो 2022 के अंतिम दिन दौरा करने पहुंचे मंत्री जी ने आगे ये भी बताया कि आने वाले समय में बिहार ऐसा पहला राज्य होगा जो स्टार्टअप के लिए आइडिया लाने वालों के लिए विद्या उद्यमी योजना लेकर आ रहा है। सबसे खास बात ये होने वाली है कि इस योजना के तहत स्टार्टअप के पहले उसके आइडिया पर काम करने वाले छात्र और लोगों को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सहित सभी प्रकार से सहयोग किया जाएगा। पितृपक्ष से पहले हो जाएगा बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण। बिहार के पहले रबर डैम के निर्माण कार्य के पूरा होने का इंतजार बीते लंबे समय से बिहारवासियों को है। हालांकि कोरोना समेत अन्य खलल आने के कारण इस रबर डैम के निर्माण पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी बीच जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने इसको लेकर बड़ी उम्मीद दी है, जिसके तहत ही बीते दिन उन्होंने कहा कि तर्पण और पिंडदान के लिए गया आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। हालांकि इसके निदान की तैयारी हो रही है। इसके निदान के लिए ही विष्णुपद मंदिर के पास बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण कार्य खत्म होने वाला है। पंचायती राज व्यवस्था में नहीं बढ़ेगा आरक्षण। बीते कई दिनों से बिहार की पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण को बढ़ावा देने की मांग हो रही है, जिसके बाद ही बीते दिन इस मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से सारी स्थिति को स्पष्ट करते हुए देखा गया है, जिसके तहत उन्होंने साफ किया है कि वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था में मौजूदा आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने भाजपा के प्रमोद कुमार के ध्यानाकर्षण के जवाब में उक्त बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी आरक्षण के जो भी व्यवस्था है वो 1991 की जनगणना के अनुसार है। साल 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है। नई जनगणना के अनुसार भविष्य में इस पर जरूर विचार किया जाएगा। कटौती प्रस्ताव पर हारा विपक्ष। बीते दिन का विधानसभा सत्र हंगामों से भरा रहा। हर दिन की भांति बिहार विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र पर चर्चा हुई और चर्चा मंत्री विजेंद्र यादव ने जवाब भी दिया, लेकिन इन सब के बीच बजट पास कराने के दौरान कटौती प्रस्ताव को लेकर विपक्ष वोटिंग कराने पर डर गया। मजबूरन विधानसभा अध्यक्ष को वोटिंग कराना पड़ा और जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों को खड़ा कर विधानसभा अध्यक्ष ने गिनती करवाई और उसमें सत्ता पक्ष के 113 के मुकाबले 60 वोट विपक्ष को आया, जिस पर ही भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने कटाक्ष भी किया और कहा कि विपक्ष के सदस्य आज फुर्सत में थे, कोई काम नहीं था, इसलिए 60 वोट रहने के बाद भी 113 संख्या बल से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। विपक्ष को हारने की हर बार आदत है, आज भी इन्हें हार ही मिली है। पेट्रोलियम के मामले में बिहार का सबसे बड़ा निर्यातक बना ये जिला।
पेट्रोलियम पदार्थ की बदौलत राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक जिला बिहार में बेगूसराय बनकर उभरा है। वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची में इस बात की जानकारी निकल करके सामने आई है। जारी की गई सूची के अनुसार पिछले कई वित्तीय वर्ष से बेगूसराय को निर्यात में किसी जिले से चुनौती नहीं मिल रही है। बेगूसराय जिले में रिफाइनरी के कारण उसके निर्यात का ग्राफ कई सालों से ऊपर बना हुआ है। निर्यात के मामले में राज्य में दूसरा स्थान अररिया जिले का रहा, जहां से 1646 करोड़ का निर्यात किया गया है। ज्ञात हो अगर हम बीते साल अप्रैल महीने की ही बात करें तो इस साल के जनवरी तक इसने कुल 6821 करोड़ का निर्यात किया है, जो राज्य में अव्वल प्रदर्शन है। तिरहुत प्रमंडल का शिवहर जिला निर्यात में फिसड्डी रहा, जिस इस अवधि में कुल निर्यात 0.003 करोड़ का ही रहा है। आईपीएल के पहले ही मैच में नहीं खेल पाएंगे कुछ खिलाड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान रविंद्र जडेजा की अगुवाई में आज आईपीएल 15 के उद्घाटन मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ंत होने वाली है और उनका लक्ष्य जीत के साथ अपने खिताब बचाओ अभियान की शुरुआत करना होगा। ऐसे में दोनों टीम के कप्तान को संतुलित प्लेइंग 11 के साथ उतरने के लिए माथापच्ची भी करनी पड़ सकती है। रविंद्र जडेजा के लिए बतौर कप्तान पहले मैच में बड़े निर्णय लेने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि टीम के स्टार ऑलराउंडर मोइन अली कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ होने वाले मैच के लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जबकि तेज गेंदबाज दीपक चाहर अभी तक फिट नहीं हुए हैं। वहीं केकेआर की बात करें तो वेंकटेश अय्यर के साथ अनुभवी अजिंक्य रहाणे पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर तीसरे और चौथे नंबर पर उतर सकते हैं। सैम बिलिंग्स या फिर शेल्डन जैक्सन में से किसी एक को टीम चुन सकती है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मिथुन कुमार, शंकर मुखिया, प्रिया यादव, सौरभ मिश्रा, नीतीश कुमार, गोनार शर्मा, ध्रुव कुमार, कविता कुमारी, रंजीत मिश्रा, सनी कुमार, राकेश महतो, मोनू सिंह, रंजीत मिश्रा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार के आईपीएल मुकाबले में सबसे मजबूत टीम कौन बनकर उभर सकती है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।